यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सलोनी क्षेत्र में आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंजीर के स्कूलों के बच्चों को कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद स्कूल जाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि कई सालों से एनएचपीसी की ओर से स्कूली बच्चों के लिए बस लगाई गई थी, लेकिन 9 महीने से ये बस नहीं चल रही, जिसके चलते बच्चों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों का कहना है कि उन्हें कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद स्कूल में जाना पड़ता है। कई बार स्कूल में लेट हो जाते हैं तो कई बार स्कूल पहुंचते ही नहीं, जिसके चलते उनकी पढ़ाई पर भी बहुत असर पड़ रहा है। बच्चों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द एनएचपीसी की ओर से उनके लिए बस लगवाई जाए, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मैं वन्ना प्लस टू की छात्रा हूँ। मैं जीएसएस मंजीर में पढ़ती हूँ। मैं सुनगानी से आती हूँ। हम सब सुनगानी से आते हैं। हमें 6-7 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है। पहले हमें बस सुविधा उपलब्ध थी, परंतु अभी नहीं है। सड़क तक पहुंचने में हमें 1 घंटा लग जाता है, और तब तक एक ही बस आती है भंजराड़ों को भी निकल जाती है, और हमें पैदल ही स्कूल तक आना पड़ता है, जिसमें हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब तक हमारे पूर्वज एनएचपीसी में थे, तब तक हमें एनएचपीसी की बसें उपलब्ध थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद आशिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, हमने दर्शकों को सुनवाया कि बच्चों की क्या कुछ समस्याएं हैं, आखिर कब से बच्चों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी, पिछले 9 महीने से बच्चों को इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का कहना है कि जब तक हमारे माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग एनएचपीसी में सर्विस करते थे, तब तक एनएचपीसी की ओर से उन्हें सारी सुविधाएं दी जाती थी। जी, परंतु जब से उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता जब से एनएचपीसी रिटायर हो गए हैं, तो उन्हें एनएचपीसी की ओर से सारी सुविधाएं उनकी छीन ली गई हैं। जी। और बच्चे 8-10 किलोमीटर दूर पैदल सफर तय करने के बाद जब सड़क में पहुंचते हैं, तो वहां से बच्चों को कोई भी बस नहीं मिलती है, जिसके चलते बच्चे कभी स्कूल में लेट हो जाते हैं, कभी बच्चों पहुंचते ही नहीं है स्कूल में। लेकिन मोहम्मद, जिस तरीके से आपने बताया कि 9 महीने हो चुके हैं और 9-10 किलोमीटर का सफर बच्चों को पैदल चलकर तय करना पड़ता है, तो अभी तक इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया? जी, जब स्थानीय निवासी और ग्राम पंचायत के प्रधान एनएचपीसी चीफ से मिलने के लिए जाते हैं, तो एनएचपीसी चीफ ने कहा कि यह इस बस की तकनीकी खराबी होने के कारण हमने ये बस अभी बंद रखी है, जब बस ठीक हो जाएगी तो हम फिर से ये बस चला देंगे। लेकिन अभी सुनते सुनते 8-9-10 महीने हो गए, लेकिन आज तक एनएचपीसी की ओर से बच्चों के लिए कोई भी बस की सुविधा नहीं दी गई है। लेकिन मोहम्मद, अब खुद दर्शकों ने भी सुना, बच्चे खुद गुहार लगा रहे हैं कि काफी ज्यादा समस्या उनके सामने आ रही है और पढ़ाई पर इसका असर पड़ता है। कई बार बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, कई बार स्कूल पहुंच ही नहीं पाते, तो कब तक इस समस्या का समाधान हो पाएगा? जी, एनएचपीसी चीफ का कहना है कि हम लोग 2 या 3 महीने के अंदर जो एनएचपीसी की बस है, उसकी तकनीकी जो खराबी है, हम लोग उसे दूर कर देंगे और जल्द ही जल्द बच्चों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। जी, चले मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना असर जो है बच्चों की पढ़ाई पर इस समस्या की वजह से पड़ रहा है, क्योंकि करीब 8-10 किलोमीटर का सफर बच्चों को पैदल चलकर तय करना पड़ता है, उन्हें बस की सुविधा नहीं मिल पा रही है और 9 महीने हो चुके हैं इस समस्या का सामना बच्चों को करते हुए।